भोपाल में विगत दिनों कंप्यूटर व्यापारी से 7 लाख रुपए लूटने की कोशिश करने वाले 5 बदमाशों को क्राइम ब्रांच और कटारा हिल्स पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश एक व्यापारी के घर डकैती करने की फिराक में थे। डीआईजी धर्मेंद्र चौधरी के मुताबिक पांचों बदमाशों को रापड़िया जोड़ के पास पकड़ा गया, जिनके पास से तलाशी करने पर हथियार, डकैती के सामान, एक कार और बाइक जब्त की गई। आरोपी बदमाश में बैरासिया रोड निवासी सफदर खान, बिलाल खान, करोंद निवासी शाहिद मोहम्मद, हनीफ खान और इमरान खान शामिल हैं। पूछताछ में सफदर खान ने बताया कि अपने साथियों के साथ 25 अक्टूबर की रात 12 बजे 6 नवंबर को स्टाफ स्थित अंकुर कॉम्प्लेक्स के सामने भी लूट की कोशिश करना कबूल किया है। भोपाल पुलिस ने फिर 5 बदमाशों को पकड़ा है जो लूटपाट करने का प्रयास कर रहे थे। ये कार्रवाई क्राइम ब्रांच साउथ एसपी और कटारा हिल्स और सभी स्टाफ के संभव हो पाया है। ये सूचना मिली थी कुछ लोग कटारा हिल्स इलाके में लूटपाट के लिए मौजूद हैं। पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो उन्होंने घेराबंदी की, सारी टीमों को लगाया और घेराबंदी करने के बाद जब इन लोगों को पकड़ा तो उनके पास से चाकू और लूट के लिए प्रयोग किए जाने वाली रस्सी, मिर्ची आदि चीज़ें मिली हैं। ये 5 आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि ये आने जाने वालों का या और कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए लूट कर सकते। इनके मोटर सपेंडी को देखकर एसपी राहुल लोढ़ा, एडिशनल एसपी दिनेश, एडिशनल एसपी ग्राइंड रश्मि, और बाकी सारी टीमों ने लगातार पूछताछ की। उन्होंने स्वीकार किया लेकिन खूब में भी पहले घटना अभी 26 तारीख को हबीबगंज क्षेत्र में जो प्रकाशन गुप्ता के यहाँ पर 7 लाख रुपए लूटने का प्रयास हुआ था, ये वही लोग हैं जिन्होंने ये बड़ी घटना को अंजाम दिया था। वो आसपास के लोग आ जाने से ये सफल नहीं हो पाए थे। इसमें ऐसी जानकारी मिली कि जो एक आरोपी है सफदर, इसकी दुकान प्रकाशन गुप्ता जी के सामने है, ये सीसीटीवी लगाने का कार्य करता है। वो पिछले 2 साल से उनसे हार्ड डिस्क वगैरह खरीद रहा है। जब वो हार्ड डिस्क खरीदने जाता था तो वो देखता था कि ये सेठ जी जो है काफ़ी पैसा साथ लेकर अपने जाते हैं। इसने फिर अपने साथी बिलाल को बताया था और उन लोगों ने सबने मिलकर एक प्लान किया और प्लान करके इनका ये था कि इसको लूटना है। जिस दिन ये घटना 26 तारीख को घटित थी उसके नॉइस करने पर कई लोग आ गए। ये लोग वहाँ से भाग गए थे और भागने के बाद जो विकास चंद गुप्ता है उन्होंने बताया था कि करीब 7 लाख 6 लाख 84 हज़ार समथिंग रुपये बैग में थे। घटना उस दिन हबीबगंज थाने में मुख्य प्रयास में आईपीसी के तहत दर्ज किया गया था, उनकी तलाश की जा रही थी। इसी बीच में क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी और उन्होंने एसपी राहुल लोढ़ा और उन्होंने मिलकर घेराबंदी की। तो ये लोग लूट के प्रयास में पकड़ा गए और पूछताछ किया गया। इन्होंने स्वीकार किया कि उस दिन की घटना घटित हुई।